शादमान में सरकारी मुलाजमीन ने भी अपने घरों को गैर कानूनी मिसमार करने पर धरना दे दिया। धरने में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि CNW के मुलाजमीन का कहना है कि कुछ अर्सा कबल अफसरान की जानिब से घर अलॉट किए गए थे, जिनको अब मिसमार करके पार्क बनाया जाएगा। ये कहना है आला अफसरान का। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने के हवाले से बताएं कि मुलाजमीन ने अपने घरों को गैर कानूनी मिसमार करने पर धरना दे दिया है। धरने में मर्द और खातीन की बड़ी तादाद शरीक है। आपको बताते चले, GOR3 शादमान में सरकारी मुलाजमीन ने अपने घरों को गैर कानूनी तौर पर मिसमार करने पर धरना दे दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि CNW के मुलाजमीन का कहना है कि कुछ अर्सा कबल अफसरान की जानब से घर लौट किए गए थे, जिनको अब मिसमार करके पार्क बनाया जाने लगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि छोटा तबका है, कुछ मुलाजमीन है 1 से 5 ग्रेड के, जिनके घरों को मिसमार किया जाने लगा और वह सरापा एहतजाज, और इस एहतजाज में खातीन और बच्चों की कसीर तादाद जो है वो शरीक है। इसी पर मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अदनान राजपूत से। जी अदनान राजपूत, इस एहतजाज का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GOR3 शादमान के बाहर, जहाँ पे जो CNW की जो दर्जा 4 के जो मुलाजमीन हैं अपने मुतालबा के हक़ में जो है वो मुजाहरा करने हैं, धरना दिए बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारे कुछ अर्सा कबल हमें जो मकान अलाट हुए थे, जो क्वार्टर अलाट हुए थे, आज उनको मिसमार किया जा रहा है। मिसमार करने की जो रीज़न है वो यही सामने आई है कि जो अफसरान बाला है उनके बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर पार्क तमीर किया जाएगा। इनका ये कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, क्योंकि हमारा यही एक आसरा है जो छाता में जो मैसर की गई है वो भी हमसे छीनी जा रही है। खुदारा कुछ खौफ करें, जो धरने में इस वक्त जो खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है वो भी शामिल है। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मकान की जो मिसमार जो किया जा रहा है उसको ख़त्म रोका नहीं जाता, हम यहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। धरने में मौजूद जो कुछ यहाँ पर जो धरना दिए बैठे उनसे बात भी करेंगे। जी आप बताइएगा, कितने अर्से से आप यहाँ पर मकान में बैठे हैं और आज इनको मिसमार किया जा रहा है? हम तकरीबन 2-2 नस्लों से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे वालदैन भी यहीं से रिटायर हुए हैं, हमने भी यहीं मुलाजमत इख्तियार की और हमें इस बेस पर यहाँ रहने के लिए जगह दी गई थी कि रात को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी ऑफिसर के घर में आग लग गई है बिजली शार्ट सर्किट की वजह से, तो हमने उसको जाकर दुरुस्त करना है, क्योंकि हमारे पास पूरा अमला मौजूद होता है। उस खिदमत के सिलसिले में हमें ये घर से बेघर कर रहे हैं। तो मैं पंजाब हुकूमत को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जैसे जवेद महमूद के दौर में उन्होंने सेक्रेटेरिएट खाली करवाया था, तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने वादत कॉलोनी, चुबुर्ची गार्डन, GR के कुछ क्वार्टर और जहाँ जहाँ भी जगह खाली थी उनको वहाँ मकान दे के उनका मुतबादल दिया और फिर उनके मकान मुसमार किए। हमें भी आपको कोई ऑप्शन दी गई है मुतबादल घर के लिए? हमें कोई ऑप्शन नहीं दी गई, हमें यही कहा गया कि फौरी तौर पे इन्हें खाली कर दें वरना हम मशीनरी मंगवाएंगे और आपका सामान भी चाहे नीचे मलबे तले आ जाए हम उसको मिटा देंगे। जैसा कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो सूरत हाल अब आपके सामने ही है, इस वक्त जो तजार में कुछ बच्चियाँ भी शामिल हैं, मासूम बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, इनसे ही बात करेंगे। जी बेटा आप बताएं। हम गरीब हैं, हमसे ये घर ना छीने, हमें मार दें पर हमारे सरों से हमारी छतें ना छीने। रमजान का महीना है, इधर इनको नेकियां लेनी चाहिए और ये बुराइयां ले रहे हैं। इनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे सरों से हमें मार दें पर हमारे सरों से हमारी छतें ना छीने। जी आप बताइएगा, आप यहाँ आप ही एहतजाज कर रही हैं, आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं और आपका भी मकान यहाँ पे मिसमार? हाँ जी, यहाँ पे हमारा भी मकान है, अरसे 40 से 50 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। स्टेट ऑफिसर से गुजारिश है कि ब्राय मेहरबानी हमें सर ढकने के लिए छत दी जाए, ये ना हो कि मिसमार कर दिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पे है, हम लोग किधर जाएंगे, हमारे पास इसके अलावा और जगह भी नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि इनका ये कहना है कि हम 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी है। यहाँ पे एक और जो धरने में मौजूद है भाई, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। सर ये बताएं कि यहाँ पे बकायदा सुना है कि धमकियां भी दे रहे हैं आपको कि आपको नौकरी से ही फारिग कर देंगे। जो हमारे हम छोटे स्टाफ पे जो है ना पीन वगैरह या कलर के या माली वगैरह, ये हमें धमकी इसलिए दे रहे हैं ये आप हम यहाँ से भागे, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं, हमारे बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे हम यहाँ के रहायशी हैं, पाकिस्तानी, हमारे श्रम कार्ड है, हमारे वोट है, हर चीज़ हमारी। चीफ जस्टिस साहब खुदा रहे हमारी बात सुने। जी सर आप बताएं। देखिए जी, जिस तरह ये लोग कहते हैं कि आपने रोड ब्लॉक कर ली, इस वक्त ये पूरा मन धरना बड़े साइड पे जो एक मुहज्जब आश्रम में होता है ताकि कोई आराम से तरीके से सुन ले, अगर इन्होंने इसके बावजूद भी अगर इस चीज़ का नोटिस ना लिया और इन पर कोई रहम ना किया तो फिर मजबूरन ये लोग फिरोजपुर रोड, ये शादमा रोड है या मेट्रो का ट्रैक बंद करेंगे और इसमें बहुत सारे लोग ज़्यादा शरीक होंगे क्योंकि ये इनकी घरों का मामला है। रात तक है, कल अगर इन्होंने कोई बात नहीं की तो फिर इस चीज के ये खुद जिम्मेदार होंगे और हम इसको बनाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि जो धरने में मौजूद मुलाजमीन का ये कहना है कि आज रात तक हम जो है पंजाब हुकूमत को जो हमारे महकमे के जो अहदेदार उनको हम डेडलाइन दे रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने हमारे जो घर मुसमार हो रहे हैं उनको मुसमार। बहुत शुक्रिया अदनान राजपूत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।